हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक फेस ग्लोइंग मास्क। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने लेना है सबसे पहले एक एम्प्टी बाउल, और उसमें हम ऐड करेंगे बेसन। आपने 3 to 4 टेबल स्पून बेसन की ऐड कर लेनी है, ठीक है जी। आप जो है वो बेसन में ले रही हूँ यहाँ पर 1 2 एंड ये 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया है, आप 4 भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं ये देख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो लेमन जूस ऐड करूँगी। आपने जो है वो मेरे ये स्पून छोटी है इसलिए मैं हाफ फुल टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप हाफ टेबल स्पून या कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट इसमें रोज़ वाटर ऐड करने लगी हूँ। आप कोई सी भी जो है कंपनी की रोज़ वाटर ले सकते हैं, कोई भी रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, या चाहे घर में बनी हुई आपकी रोज़ वाटर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। यहाँ पर मैं जो है वो 1 and 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून के करीब हनी लूँगी। अच्छा जी, आपने जो है वो दूध जो है वो अपने हिसाब से डालना है। इतना करना है कि इसका जो है वो पेस्ट सा बन जाए, ज़्यादा पतला ना हो, ठीक है जी। आपने जो है इसका हल्का पेस्ट बना लेना है ताकि वो इजीली अप्लाई हो। इसे मिक्स कर लेना है जी। मिक्स हो चुका है और ये पेस्ट सा तैयार है, तो इसको जो है आपने किसी भी ब्रश के फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है अपने पूरे फेस को वॉश करने के बाद उस पर अप्लाई कर लेना है। आप इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। इससे जो है आपकी स्किन पर जो है वो कुदरती निखार आता है, आपकी स्किन को जो है ये मॉइस्चराइज करता है और आपको जो है ग्लो देता है। इसको जो है वो हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको आपकी स्किन को ख़राब करे, ठीक है जी। आपकी स्किन से दाग धब्बों को ये ख़त्म करता है। इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दीजिएगा और उसके बाद इसको उतार कर इसका फ़र्क खुद ही देखिएगा। आप इसको किसी भी फेस वॉश की हेल्प से वॉश कर सकते हैं। ये थोड़ा ड्राई हो गया तो मैं इसको हाथों की हेल्प से जो है वो थोड़ी देर रब करूँगी और उसके बाद जो है इसको धो लूँगी। आप इसे वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, ग्लो कर रही थी और स्किन में जो है फ्रेशनेस आ जाती है इसके यूज़ से। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।